ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आवासन मंडल की ओर से मकानों की जा रही नीलामी को लेकर प्रदेश के लोगों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। आज प्रदेश भर में आवासन मंडल की ओर से 29 मकानों की नीलामी की गई। नीलामी में अच्छी प्रतिस्पर्धा के कारण न्यूनतम विक्रय मूल्य से दोगुने से भी अधिक कीमत पर कई मकान बिके। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के हर बाशिंदे को अपना आशियाना दिलाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है और इसी सपने को साकार करने में जुटा है आवासन मंडल। अपनी लोकप्रिय योजनाओं और प्रशासनिक कुशलता के चलते आवासन मंडल उपलब्धियों के नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश भर में आवासन मंडल की ओर से की गई प्रीमियम संपत्तियों की नीलामी के तहत 29 मकानों की नीलामी में 327 लोगों ने भाग लिया। जयपुर, बीकानेर, कोटा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चूरू, अलवर और जोधपुर में 29 संपत्तियों को खुली नीलामी के माध्यम से बेचा गया। इस नीलामी से मंडल को 10,69,00,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। नीलामी में खरीदारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और मंडल के मकानों को न्यूनतम बोली मूल्य से भी अधिक कीमत पर खरीदा। जयपुर के ज्योति नगर के 3 फ्लैट्स खरीदने के लिए नीलामी में 63 लोगों ने हिस्सा लिया। फ्लैट संख्या 5 कक्ष नंबर 1 का न्यूनतम बोली मूल्य 26,00,000 रुपए रखा गया था, जो कि 53,00,000 रुपए में बिका। वही फ्लैट संख्या 7 कक्ष संख्या 5 का न्यूनतम बोली मूल्य 23,00,000 रुपए रखा गया था, जो कि 46,75,000 रुपए में बिका। तीनों फ्लैट्स का न्यूनतम बोली मूल्य 71,00,000 रुपए रखा गया था, जो कि 1,36,00,000 रुपए में बिका। जोधपुर में चौपासनी योजना में मकान संख्या 17,442A का न्यूनतम बोली मूल्य 1,10,00,000 रुपए रखा गया था। इस मकान की नीलामी में अधिकतम बोली 1,90,00,000 रुपए में आई। डूंगरपुर में 11 मकानों को खरीदने के लिए 182 खरीदारों ने नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इन मकानों के न्यूनतम बिक्री मूल्य 1,64,00,000 रुपए रखा गया था। नीलामी में ये मकान 2,72,00,000 रुपए में बिके। कोटा में 3 मकानों को खरीदने के लिए 18 लोगों ने नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। मकानों का न्यूनतम बोली मूल्य 1,25,00,000 रुपए था, जो कि 1,54,00,000 रुपए में बिके। लोगों में इसका बहुत मतलब भारी उत्साह है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 2 फ्लैट में लगभग 55 लोगों ने हमारे इसमें नीलामी में हिस्सा लिया है। 3रे फ्लैट की जा रही है, जिसमें भी काफी जोर शोर से लोग बाग हिस्सा ले रहे हैं। आवासन मंडल की संपत्तियों को लेकर लोगों का उत्साह मलमास में भी बना रहा। 15 जनवरी को आयोजित किए बुधवार नीलामी उत्सव में 53 मकान बिके, जिससे मंडल को 6,00,00,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टीम आवासन मंडल की कड़ी मेहनत और कुशल नेतृत्व का नतीजा है कि आज आवासन मंडल हर रोज कीर्तिमान रच रहा है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।